इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। और हेलो डॉक्टर में आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर अनुपमा मौर्य, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। डॉक्टर अनुपमा मौर्य जी, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि जो महिलाएं हैं उनको कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिसको लेकर उन्हें पहले से ही अलर्ट होना चाहिए। महिलाओं को सबसे पहला जो समस्या होता है वो है खून की कमी, और दूसरा है मोटापा, तीसरा है उनका कि महामारी में अनियमितता, और खान पान पे अपना ध्यान देना है उनको। और जब खासकर गर्भवती होती हैं उस समय खून की कमी अक्सर देखा गया है। ठीक है, आपने तीन चार बातों का जिक्र किया, तो हम अलग अलग तरीके से संक्षेप में इसे समझने की कोशिश करेंगे। खून की कमी का जिक्र किया है जो महिलाओं में अक्सर देखी जाती है, एनीमिया की कमी, वो क्यों होता है और इससे कैसे सही किया जा सकता है? क्योंकि हर बार हम एलोपैथी की तरफ नहीं जा सकते या होम्योपैथी की तरफ या आयुर्वेदिक की तरफ नहीं जा सकते हैं, हम अपने खान पान से भी इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो खान पान पे उनको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां हैं उसको खाना चाहिए, लाल पीली हरी जो भी दिखती हैं। दूसरा चीज है कि पेट में कीड़े एक कारण होता है, जो कि गांव देहात में ये समस्या बहुत आती है। तीसरा है कि लड़की और लड़कों में काफी भेदभाव होता है, तो वो उनको पहले से ही वो एनीमिक हो जाती है, उनको खाने में ध्यान नहीं दिया जाता है, और फिर जब वो माँ बनती है तो वो और ज्यादा खून कम होने लगता है। और मेनली प्रॉब्लम ये होती है कि तीन चीजों की कमी से हो सकता है एनीमिया। एक तो है कि आपके हेमोग्लोबिन की कमी है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी को लेकर हम लोग उतने जागरूक नहीं है, महिलाएं उतना ध्यान नहीं देती हैं। देखिए अर्बन एरियाज की मैं बात करूं, देखिए शहरी इलाकों में तो महिलाएं कर लेती हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाऊं, कस्बों में जाऊं, तो महिलाओं को नहीं पता कि उनके शरीर की किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है, कौन सा विटामिन है, कौन सा कैल्शियम है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें है। तो कम से कम खान पान में जैसे हरी सब्जियां हैं, जो लाल रंग का दिख रहा है, जो पीले रंग की सब्जियां दिख रही हैं, इसको खाएंगे तो उनका खून बढ़ेगा। दूसरा है वो लोहे की कढ़ाई खरीद सकते हैं, उसमें खाना बनाए, उनको आयरन मिल सकता है। तीसरा चीज है कि नींबू का सेवन जो होता है वो भी बढ़ाता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को, और अगर उसके बावजूद नहीं बढ़ रहा है या उनके पीरियड में बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है तो वो फिर आयरन की गोलियां खा सकते हैं, जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलता है। अनुपमा जी, इसके अलावा आपने जिक्र किया, बोलिए बोलिए, गुड़ खा सकते हैं, चना भिगा करके अंकुरित होकर खाएं तो ये जो सारे चीजें हैं ये वो हैं जो आपके घर में पूरी तरह से अवेलेबल है, आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जिससे आप अपनी आयरन डिफिशियंसी को पूरी तरह से सही कर सकते हैं और ब्लड का जो लेवल है, जो हीमोग्लोबिन है, उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पर आपने एक जरिया बताया कि इस तरीके से आप अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बीमारी हो गई, बीमारी नहीं कह सकते, खून की कमी है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यंग जो गर्ल्स हैं, 16 हो गई, 17 हो गई या 20 प्लस हो गई, 30 से नीचे, इनको पीसीओडी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पीसीओडी का जिक्र हर कोई कर रहा है, लेकिन आसान भाषा में लोग इसे नहीं बता रहे हैं, या मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपके माध्यम से कि आप ज़रूर बताएं कि पीसीओडी क्या है, पहले तो ये बताइए, और ये कितना गंभीर हो सकता है, इसके कारण क्या है, इसके उपाय क्या है, सिम्टम्स क्या है। पीसीओडी अक्सर महिलाओं को होता है जब उनमें हार्मोन्स के इंबैलेंस होता है, और जब वो लोग खाने पे ध्यान नहीं दे रही हैं, जैसे फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रही हैं, तेल मसाला वाला चीजें खा रही हैं, तो उसके वजह से वजन बढ़ जाता है उनका। और इसमें होता क्या है कि आपका अंडा जो है वो या तो बन नहीं रहा है या तो प्री मेच्योर रिलीज होता है, जिसके वजह से उनको गर्भवती होने में भी प्रॉब्लम आती है।
और आगे जाकर के ये किसी और सिंड्रोम में डेवलप हो जाता है, जिसमें मोटापा, बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, ये सारे प्रॉब्लम बढ़ने लगता है उनमें। और इसके जो ये कितना गंभीर हो सकता है, कितना गंभीर हो सकता है, क्योंकि कई स्टडीज लोग कर रहे हैं इस पर। मैं एक महिला हूँ, मैं भी पढ़ती रहती हूँ, कभी सर्च करती हूँ कि हाँ पीसीओडी क्या है, कितना गंभीर हो सकता है। तो आप आसान सी भाषा में समझाएंगे कि कितना गंभीर लेवल पर जा सकता है, हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। जी, अगर इसको ठीक समय पे नहीं डायग्नोज कर रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, तो आगे जाकर के कई बीमारियों का रूप धारण कर सकता है। सबसे पहले तो आपका वजन ही बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा आपका, या आपको शुगर होने का प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाएगा, तो जिसके वजह से आपके चेहरे पे या अनचाहे जगहों पे बाल आने लगता है। मोटापा के वजह से अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दिक्कत क्या आवाज में भी कोई बदलाव होता है? इसका है ना, क्या मैम कोई आवाज में भी क्या बदलाव देखा जा सकता है? हाँ जी, कभी कभी मेल पैटर्न में उनका डेवलपमेंट होने लगता है, तो आवाज भी थोड़ी सी मोटी होने लगती है उनकी, और उनमें थायराइड का भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है बाद में जाके। अच्छा, महिलाओं को पीसीओडी, पीरियड्स इररेगुलरिटी, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के समय में, लेकिन अर्ली पीरियड का जिक्र मैं करूँगी। अर्ली पीरियड भी बहुत ज़्यादा अब हो चुका है, पहले एक टाइम था कि हाँ 14-15 की एज में पीरियड स्टार्ट होते थे, लेकिन अब अर्ली पीरियड, क्या ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है या फिर हमारी जनरेशन बहुत फास्ट 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 हो गई है, इसी का नतीजा है कि हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं? जी, ये आजकल बहुत ज्यादा हो गया है और कम एज में ही शुरू हो गया है, और इसका भी कारण यही है लाइफस्टाइल चेंजेस, इसके वजह से खान पान का ही मेन प्रॉब्लम है। और दूसरा, दूध जो है पी रहे हैं उसमें भी हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है, और वही लड़कियां पीती हैं तो उनमें भी चेंजेस होते हैं, तो उनको अर्ली पीरियड आने लगते हैं और प्यूबर्टी भी अर्ली आ जाता है उनको, और बाद में खून इतना ज्यादा होने लगता है उनका कि एनीमिया एक कारण वही बन जाता है। ठीक है, मैम आपके पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती होंगी बहुत सारी बीमारियों को लेकर। आजकल जो कॉमन है वो महिलाओं का, देखिए, शारीरिक तौर पर थकान, मानसिक तौर पर थकान, साथ ही साथ जो लोअर एब्डोमेन है उसमें बहुत ज़्यादा आजकल महिलाओं को पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, इन्फेक्शन रहता है, गांठें बन जाती हैं, ये किस कारण होता है? जब तक हम इस पर ध्यान दे पाते हैं तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो ऑपरेशन की तरफ हम ना जाएं किसी तरीके के, तो इससे पहले हम कैसे अपने आप को ठीक रखें, कैसे जागरूक रहें इन सब चीज़ों को लेकर? जी, पहले तो हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज 5 दिन प्रति हफ्ता, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम फास्ट वॉकिंग करें और जल्दी जल्दी चलें, और खाना, जब भी आपका वजन बढ़ रहा है या पीरियड आपको लेट आ रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करना है, और एक बार आके डॉक्टर से मिलिए, कुछ जांच करवाइए, जैसे कि हार्मोन्स में कौन सी कमी की वजह से हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करा के देखना होता है कोई गांठ तो नहीं बन रहा है। अनुपमा जी, एक और वेट गेन करती हैं औरतें। एक और परेशानियां आजकल आप देख रहे हैं, देखिए आज के लाइफस्टाइल में लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट है, करियर पर फोकस करती हैं, तो ऐसे में शादी भी आजकल लड़कियां लेट कर रही हैं आफ्टर 30, कई बार होता है कि 35 भी हो जाता है, तो कंसीव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या एज फैक्टर है या फिर हमारा लाइफस्टाइल भी यहाँ आड़े आ जाता है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाती है? नहीं नहीं क्योंकि वर्किंग वूमेन है, कभी कभी वो बाहर से खाना खा ही रही हैं, अपना रेगुलर अपने आप को टाइम नहीं दे रही हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रही हैं, प्लस एज तो एक फैक्टर है ही है, तो जब 35 साल से ऊपर हो रही है तो ऑलरेडी उनके बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं और खाने पीने की वजह से फिर प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो कैसे इस बात का ध्यान रखा जाए, कैसे अपने आप को मेंटेन रखा जाए? सही समय पर खाना खाएं, जितना जरूरत है भूख लगे उसी समय खाएं, और अपने खान में ज्यादा कम से कम 75% उनका फाइबर वाला डाइट होना चाहिए।
प्लस जो है रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी वो कर रहे हैं, या डांस करते हैं तो डांस कर रहे हैं, या जो भी है। और इसके अलावा देखिए, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि ओवरी कैंसर और वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये किस कारण है? सैनिटरी नैपकिन्स या आजकल बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन कप आ गए हैं, टैम्पॉन्स आ गए हैं, ये कारण हो सकते हैं वजाइनल इन्फेक्शन के? जी, वजाइनल इन्फेक्शन के कई कारण हैं। एक तो औरतों में पहले ही जो उनका यूरेथ्रा है बहुत छोटा होता है, शादी होती है, वो मिलते हैं हस्बैंड से, वो एक कारण बनता है इन्फेक्शन का। प्लस जब उनको महीना आता है और वो अंदर सफाई नहीं रखती है, पैड चेंज नहीं करती है रेगुलर इंटरवल पे, तो वो एक कारण हो जाता है इन्फेक्शन का। कभी कभी पानी कम पीती है और उसके वजह से पेशाब में इन्फेक्शन होता है और बाकी जगह पे होता है, और साफ सफाई नहीं रखती है तब भी होता है। तो जब सफेद पानी आना शुरू हो या उनको खुजली हो तो उनको आके दिखाना चाहिए। और हाइजीन के लिए कई चीजें आ गई हैं, वी वॉश यूज कर सकते हैं वो, और जितने बार भी उनको बाथरूम लगे एक बार पानी से धो लें वो नीचे का एरिया, तो इस तरह से हम कई बार इन्फेक्शन बचा सकते हैं। इसके अलावा ओवरी कैंसर को लेकर क्या आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट आया जिसमें ऐसा कोई लक्षण दिखे, फिर आपने हार्ट सेंटर उन्हें रेफर किया हो, कुछ ऐसा? जी जी, ओवरी कैंसर से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा आता है। हाँ, महिलाओं में ये भी बहुत कॉमन है। महिलाओं में दो कैंसर बहुत कॉमन होते हैं, एक तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और दूसरा जो है स्तन का कैंसर। और ये दोनों ही वो अर्ली स्टेज में हम पहचान सकते हैं, अगर वो जरा सा भी उनमें प्रॉब्लम होती है आके दिखाएं तो और जांच करवाएं। कैसे? इसके लिए वैक्सीन कैसे हम अर्ली, आपने कहा कि अर्ली स्टेज में भी हम उसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं ये जरा आप बताएंगे, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो सही तरीके से समझ पाए, महिलाएं समझ पाए कि हाँ ये अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये कारण हो सकता है आगे। जी, अगर पीरियड बहुत ज्यादा हो रहा है उनको, जल्दी जल्दी हो रहा है और उनका पीरियड जाने का टाइम हो गया है और अभी भी पीरियड आ रहा है, जैसे आजकल तो 50 साल तक आ रहा है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको आ रहा है तो उनको चेकअप करवाना चाहिए अपना। प्लस अगर उनका महीना बंद हो गया है और उसके बाद फिर उनको ब्लीडिंग होने लगता है तो उनको आके दिखाना है, और हर साल उनको एक बार तो चेकअप करवाना चाहिए गायनेक से, ताकि वो नीचे से देख सके कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा है सर्विक्स में, बच्चेदाने के मुंह में। यानी अगर आपको अपनी जो पूरी हेल्थ सही रखनी है तो गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मुलाकात करनी चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी परेशानी है, ताकि जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेज पे ना पहुंच जाए कि आपको नुकसान हो, इसलिए ज़रूरी है कि रेगुलर चेकअप कराएं। इसके अलावा वजन कम हो रहा है, हाँ वजन कम और ब्लीडिंग हो रहा है तो उनको जरूर आना चाहिए दिखाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप कोई खास मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को कि किस तरह से वो अपना ध्यान रखें? उनको रेगुलर चेकअप कराते रहिए, बस यही है, क्योंकि वो इतनी संकुचित होती हैं, बाहर निकलती नहीं अपने समाज में, कई बार महिलाएं बता भी नहीं पाती कि उन्हें क्या परेशानी है। हाँ, वो किसी को बताती भी नहीं है, और जब तक मैं वो आती है डॉक्टर के पास बहुत लेट हो जाता है, और फिर हम लोग को रिफर करना पड़ता है हायर सेंटर में। ठीक है अनुपमा, तो जब भी उनको उनके बॉडी में कोई भी चेंज है, सफेद पानी आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको आके दिखाना है। ठीक है अनुपमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से बताने के लिए कि महिलाओं को कैसे अपना ध्यान रखना है, कैसे रेगुलर चेकअप करना है। तो मेरे साथ जुड़ी थी डॉक्टर अनुपमा मौर्य जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने जो परेशानियाँ, जो महिलाओं को बीमारियाँ हो सकती हैं या जो होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सके और साथ ही साथ कैसे अपना ध्यान रखे, ये आसान भाषा में उन्होंने समझाया है। हेलो डॉक्टर, मैं फिलहाल फिर इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।